बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ वर्दा और मेरे साथ हैं अली, आयाना और हम सबकी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। कैसे बच्चों आप लोग? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और रोजा है आप दोनों का? जी। आप लोगों का रोजा है बच्चों? सबका रोजा है भाई, सबको रोजा रखना चाहिए। रमजान इतना बाबरकत महीना है और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला हमें रमजान का महीना जो है वो अता फरमाते हैं। हमें चाहिए कि हम सब रोजे रखें। और रमजानों में क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे हेल्दी होती है? वो विटामिन नहीं, विटामिन से नहीं होती। हम जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी हम जंक्स जो खाते हैं उसके बाद एक टॉक्सिक और एक डर्ट हमारी बॉडी में जमा हो जाती है, वो सही करती है। जी, हमारी बॉडी को क्लेंस करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होता है रमज़ान का महीना। जब हम रोज़े रखते हैं तो हम ऑलरेडी हेल्दी हो जाते हैं और हमें एक सब्र की आदत होती है। हम सब्र करना सीखते हैं, अपने नफ्स पे काबू पाना सीखते हैं, तो ये सब होता है। और बच्चों चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी बनाना। आज हम क्या मज़े मज़े का बना रहे हैं, आपको देख के क्या लग रहा है? आयाना, अली, चिकन है, कैप्सिकम है, सॉस है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी से शैशलिक स्टिक्स। ये इफ्तार में खाते हैं? इफ्तार में क्या पसंद है? इफ्तार में फ्रूट चाट। और आपको क्या पसंद है? समोसा के अलावा, फ्रूट चाट के अलावा और क्या क्या पसंद है भाई? दही बड़े होते हैं, चाट होती है और रोल होते हैं, आलू के पकौड़े, रोल। हम ये भी बनाएंगे अपने शो में, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं हम शैशलिक से और बहुत ही मज़ेदार सा हम बनाएंगे जामेश्री से। हम बनाएंगे एप्पल स्मूदी, वो भी बहुत मज़े की होती है। बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे पास हैं आज के शो में, लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, या तो आप किचन में हो या कहीं बाहर से घर आए या जब भी खाना खाने बैठे तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। और हाथ हमें किसे धोने चाहिए? स्टेप बाय स्टेप किसे धोने चाहिए? डेटॉल से। तो हमें हाथ धोने चाहिए डेटॉल से। मेरे पास यहाँ पे डेटॉल का हैंड लिक्विड वॉश है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माह रमज़ान आप आदत बना लीजिए अपनी कि आप डेटॉल से हैंड वॉश कीजिए। और हैंड वॉश करने का बाकायदा पूरा तरीका होता है, पानी लाजमी बंद करना है ताकि वेस्टेज ना हो पानी की। और प्रॉपर स्टेप से आपने हाथ धोने हैं इस तरह से। और ये देखिए, ये आपको हैंड वॉश के स्टेप्स पता हैं? जी। अब कोविड अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया, लेकिन स्टिल हमें एहतियात करनी है। हमें रमज़ानों में हमेशा, या रमज़ान के बाद भी हमें हमेशा हाथ धोने हैं, क्योंकि डेटॉल हमें देता है प्रोटेक्शन। किससे? जर्म्स के अगेंस्ट हमें डिटॉल प्रोटेक्शन देता है। और 100 तरह की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम से हमें डिटॉल ही सिर्फ प्रोटेक्शन देता है। और हमारे पास डिटॉल का यहाँ पे फ्लोर क्लीनर भी है। और ये देखिए, हमने डिटॉल के हैंड वॉश से अपने हाथ साफ कर लिए और बार बार हाथ धोने से हम अपने आप को जरासीम से महफूज रख सकते हैं। और जब भी आप हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद आप टिश्यू पेपर से हाथ साफ़ करें, क्योंकि टॉवल में भी कभी कभी जर्म्स होते हैं ना, वो हैंग हुई हुई होती है बार बार। और जैसे ही आपने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए, आपने उसको डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है जी, चलें जी अब स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। रेसिपी के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं चिकन शैशलिक स्टिक। इसके लिए मुझे चाहिए चिकन क्यूब्स 1/2 किलो। मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, आप लोग भी ग्लव्स पहन लीजिए कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। आप भी ग्लव्स पहन लीजिए, है ना? अच्छा जी, चलें जी। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे चिकन है 1/2 किलो। मैंने इस तरह से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे थोड़े से। आयाना, आप मुझे स्पून देंगी प्लीज़? चलें जी, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। टी स्पून दीजिएगा आयाना मुझे। अच्छा जी, अब मेरे पास है यहाँ पे काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के हम काली मिर्च डालेंगे इसमें। मेरे पास यहाँ पे सराचा सॉस है। सराचा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून, और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। अदरवाइज सराचा सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और विनेगर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। सॉल्ट
एज पर टेस्ट हसबे जायका, क्योंकि सोया सॉस में भी नमकीन होता है वो, तो नमक कम डालिएगा। एक अदद मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च है, क्यूब्स में कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि वेजीज में भी मसाला अच्छे से आ जाए। सही। और स्क्वायर में ही मैंने अनियन कट कर ली है। अगर आपके पास बेल पेपर्स लाइक रेड कलर की मौजूद है, येलो कलर की है, अब वो भी ले सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आपने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखना है, और अगर आपने नेक्स्ट डे बनाना है तो आप सहरी में भी बना के रख सकते हैं, या आप एक दिन पहले ओवरनाइट इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगी और तमाम जो इसके मसाले हैं ना, वो चिकन के अंदर तक चले जाएंगे। तो जब हम खाएंगे तो हमें बहुत मज़े मज़े के फ्लेवर्स आएंगे, है ना। और हम वेजिटेबल जा रहे हैं ताकि हम खाएं, फिर हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बने। जी, ताकि हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बने। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको स्क्यूअर्स में लगाना है। बच्चों आप लोग लगा के देंगे मुझे, मुझे एक प्लेट उठा दीजिए नीचे से। पहले आपने ये एक शाश्लिक स्टिक ले ली, सबसे पहले आपने एक ग्रीन कैप्सिकम लगाई। देखिए अयाना कैसे लगाएंगे हम, ठीक है, ये देखिए ऐसे। और फिर इसके बाद हम एक अनियन लगाएंगे, और फिर अगर आपको पाइनएप्पल पसंद है तो ये ऑप्शनल है, आप पाइनएप्पल भी लगा सकते हैं, एक स्वीट और टैंगी सा फ्लेवर आएगा। फिर हम एक चिकन का पीस लगाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लेते हैं। अगेन फिर एक और कैप्सिकम, फिर वो स्टेप रिपीट। जी, और फिर हम स्टेप रिपीट करेंगे, अनियन लगाएंगे, और फिर हम एक पाइनएप्पल का चंक लगाएंगे। अच्छा, पाइनएप्पल का चंक अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। एंड अगेन वन मोर चिकन, देयर यू गो, दैट्स इट, इजी पीजी चिकन स्टिक्स। चिकन स्टिक्स किसको पसंद है, सबको पसंद है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती हैं। और चिकन स्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से बनती हैं। आज हम चिकन शैशलिक स्टिक बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं ऐसे। चलें, आप लोग बनाएंगे, एक स्टिक लीजिए और आप लोग भी बनाइए। यहाँ से मैं ग्लव्स ही हटा देती हूँ। मीन वाइल मैं यहाँ पे ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ। चलें जी, हम ग्रिल पैन जब तक गर्म होने पे लगाते हैं, और यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी ग्रिल पैन को हल्का सा ग्रीस करने के लिए, और शैशलिक स्टिक को हल्का सा हम पैन पे सौते करेंगे, हल्का सा हम बिल्कुल शैलो फ्राई कहेंगे, या आप हल्का सा ग्रिल करेंगे इसको। हम ग्रिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे तलो कुकिंग ऑयल। मैंने इसको बॉटल में भरा हुआ है तलो कुकिंग ऑयल को। तलो कुकिंग ऑयल सबसे बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल है, क्योंकि 50 साल की रिसर्च के बाद इतना बेहतरीन ऑयल हमें मिला है, और इसमें शामिल है विटामिन ए, डी, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है। और तलो कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कढ़ाई बना रहे हैं, तलो का वनस्पति घी भी मौजूद है, पराठे वराठे बनाए तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है उसमें। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रिल करना है शैशलिक स्टिक्स को, और पैन भी गर्म हो गया है, तो मीडियम फ्लेम रखेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद ये स्टिक्स हम क्रॉस में रखेंगे ऐसे, मुझे दीजिएगा। अरे वाह, बच्चे लगा रहे हैं, वेरी गुड। इस तरह से बच्चों से किचन में काम करवाना चाहिए। और इस तरह से देखिए जैसे इसकी लाइंस हैं ग्रिल पैन की, हम ऐसे क्रॉस में इसको रख देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा, मज़े का, वेरी गुड। थोड़ा सा प्रेस कीजिए अंदर, शाबाश, वेरी गुड, वाओ। अनियन ढूंढ रहे हैं बच्चे। चलें जी, आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऑयल से आप ब्रश भी कर सकते हैं, और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है आपने, ताकि चिकन अच्छी से गल जाए। मैं आपकी हेल्प करूं थोड़ी सी, बच्चों की, बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, चूल्हे के पास बच्चों को अकेले अपने पेरेंट्स के बगैर या किसी बड़ी बहन के बगैर नहीं, लाई मुझे दीजिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी हेल्प के लिए, फ्रूट चाट बनाने के लिए, या फिर इस तरह की स्टिक्स बनाने के लिए आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, राइट। यानी एक ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे, ओके, और वन मोर चिकन, ओके, वन टू, ये देखें इस तरह से, ठीक है, इसको भी हम ऐसे रख देते हैं। ये अयाना की चिकन स्टिक आ गई। अच्छा, इस तरह से आप इसको फ्लिप कर दीजिए, आप ये देखें, आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है ग्रिल का। अच्छा, अगर आपके पास घर में ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी इस तरह से शैलो फ्राई कर सकते हैं, राइट।
अरे वाह, अली की स्टिक भी तैयार है। वाओ, ये देखिए, इसको भी हम ऐसे रख देते हैं। ओके, चिकन स्टिक्स, चिकन शाश्लिक स्टिक आप जो है वो बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप केचप के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, कैसे किसी तरीके से भी आप चाहें आप इन्जॉय कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए भाई। चलें जी, ये देखिए, ये भी हो गई है यहाँ पे हमारी, इसको भी हम फ्लिप कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसको आपने चारों साइड से फ्लिप करना है ताकि चारों साइड से इवनली कलर आ जाए और इवनली ये कुक हो जाए। ये देखें इस तरह से आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अच्छा, मुझे आदत है और मुझे प्रैक्टिस है तो मैं हाथ से ही स्क्वेयर्स को फ्लिप कर रही हूँ। आप टोंग्स की हेल्प लीजिएगा, टोंग के अलावा यूज़ मत कीजिएगा, आपका हाथ जल सकता है। और एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों के साथ कि अक्सर जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो तेल की छींट आ जाती है, या फिर भाप लगने से, या किसी चीज़ की छींट आने से हमारा हाथ जल जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कोई भी कुकिंग ऑयल ठंडा, जैसे कि सपोज ये तलो का कुकिंग ऑयल बॉटल है मेरे पास मौजूद है, आप ये अपने हाथ पे लगा लें तो इसे छाला नहीं पड़ता। ये एक टिप है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, बच्चों मैं आप दोनों से पूछूंगी इस शो के एंड में। ये देखें आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा ग्रिल का कलर आया है। ये देखिए ग्रिल से ना ब्राउन ब्राउन कलर आ गया। हो गया आप लोगों की चिकन? बस हो रही है, दे दीजिए मुझे वाली है। लाइए। अरे वाह, आयाना की तो बड़ी मजे की चिकन लग रही है मुझे स्टिक। वाओ, अच्छा इसको हम, अच्छा देखें, अब ये देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी। आपने देखें तीन लगाए यहाँ पे, आपने यहाँ पे अनियन और आप कैप्सिकम लगाना भूल गई, तो कलर थोड़ा सा हमें आउट लग रहा है। तो तीनों इवन कलर देने के लिए हमें इसमें भी एक ग्रीन कैप्सिकम लगानी है और एक अनियन लगानी है। ये रही अनियन, पाइनएप्पल, और फिर हम एक चिकन का पीस लगा देंगे। डन, आई थिंक दिस इज इनफ। Yes. बस चलें जी, बहुत हो गई है। अगर आपको बनानी, अच्छा आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं दोपहर में, और ताकि फिर जब भी आपको फ्राई करना हो आप गर्म गर्म फ्राई भी कर सकते हैं। फ्रीज़ इसको नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग सवाल किसी के दिल में आ रहा होगा ना, आपके दिल में भी आ रहा होगा कि हम इसको क्या फ्रीज़ कर सकते हैं, तो इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसको फ्रेश बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, ये रख दिया हमने। अच्छा, जो स्टिक्स हो गई हैं उसको हम निकाल लेते हैं। मेरी एक रहती है। यम, बहुत ही डिलीशियस लग रही है, ये देखिए। चलें, मुझे नीचे प्लेटर दे दीजिएगा, दूसरा दे दें प्लेन वहाँ पे, उस तरफ से ले लीजिए। बस हो गया अली? दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा, इसकी एक और चीज़ भी है, अगर आप इसको स्वीट एंड सार फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप हल्का सा कोई भी जूस थोड़ा थिक करके उसमें शुगर डाल के उसको कुक करके आप ड्रिजल भी कर सकते हैं इसके ऊपर, पाइनएप्पल जूस। चलें जी, ये देखें जी, इसको ये देखिए इस साइड से फ्लिप कर दीजिए दूसरी साइड से चिकन, ताकि हो जाए रेडी। ये वाली रेडी हो गई है, हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं ऐसे। ये भी हो गई है, आप कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। वाओ, यू लाइक इट? यस। अच्छा जी, ये देखें स्टिक्स हमारी, शाश्लिक स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं, बाकी जो रिमेनिंग दो रह गई ये भी मैं रेडी कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी, एक बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी है, एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी। चलें जी, चिकन शाश्लिक हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम क्या बना रहे हैं? एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी, और एप्पल स्मूदी कौन बनाएगा? मैं। आयाना बनाती हैं, आप ड्रिंक बनाइएगा सेवन अप की, ठीक है? आयाना आप आ जाइए जल्दी से इस तरफ आइए। अच्छा, एप्पल स्मूदी बच्चों आप भी घर में अपने लिए बना सकते हैं, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, सिस्टर के लिए, बाजी के लिए, किसी के लिए बना सकते हैं आप। तो फॉलो कीजिए हमारी रेसिपी एप्पल स्मूदी के लिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एप्पल्स। आप एक जग खोलिए, मैं आपको कट करके दे देती हूँ। अच्छा, एप्पल कट खुद नहीं करने आपने, अगर आप बहुत छोटू से हैं आप अपने मम्मा से कह दीजिए, अपनी सिस्टर से कह दीजिए, वो आपको एप्पल्स कट करके दे देंगी, क्योंकि सेफ नहीं है, क्योंकि नाइफ खुद से हैंडल करना सेफ नहीं है। अच्छा, आपने छोटे छोटे चंक्स करने हैं एप्पल के, बड़े बड़े एप्पल डालेंगे तो ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं होंगे ना, इसके सीड्स निकालने हैं हमें। चलें जी, ये एप्पल डालिए आयाना आप इसमें। चलें जी, इसके हम सीड्स कट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से, कोई बात नहीं, डाल दीजिए, इट्स ओके। ये भी डाल दीजिए, आपने एक पूरा एप्पल लेना है। अच्छा, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पील करें, आप विद स्किन भी उसको डाल, छिलके के समय तो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आपने छोटे चंक्स किए, एक पूरा मीडियम साइज़ का आपने एप्पल ले लिया।
अगर रेड एप्पल है तो वो ले लीजिए, येलो एप्पल है वो ले लीजिए, गोल्डन एप्पल जिसे हम कहते हैं, ग्रीन एप्पल जी। अच्छा, अब एप्पल के साथ हम क्या डालेंगे इसको मजीद हेल्दी बनाने के लिए, हम इसमें यूज करेंगे डेट्स यानी कि खजूर। आपको पता है खजूर के क्या बेनिफिट्स हैं? स्ट्रॉन्ग करता है खजूर, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग जी। अच्छा, खजूर को आपने डीसीड कर लेना है, इस तरह से बीच में से कट करके इसके बीज आपने निकाल लेने हैं और ये दोनों भी डाल देना है ना, खजूर भी डाल दीजिए। ये देखिए एक और खजूर ले ली मैंने, यहाँ पे सेंटर से इसको कट किया। मुझे खजूर बहुत पसंद है। हाँ, आपको खजूर बहुत पसंद है, आई नो। आपको पता है खजूर हमें खानी चाहिए, खजूर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रखती है, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये एक टिप मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ कि कहते हैं ना एनीमिया की कमी है, हमारे अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, या आपको उसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ते हैं तो आप आयरन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर आप हैंडफुल ऑफ डेट्स यानी कि खजूर, एक मुट्ठी खजूर यानी कि 5 खजूरें आप डेली दिन में लें निहार मुँह, तो आपके अंदर जो आयरन की कमी है वो ख़त्म हो जाती है, आपको पता है। चलें जी, अच्छा ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर डालिएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छा ये ऑप्शनल है, मैं हमेशा अपने तमाम शोज़ पे कहती हूँ कि आप लोग शुगर अवॉइड कीजिए, उससे बेहतर है आप शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, खालिस है, कुदरती है और हमारे लिए हेल्दी भी है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड किया शुगर, क्या ऐड किया याना? शुगर ऐड कीजिए, थोड़ा सा और आपने कम डाला है जी, और डालिए। ऑलराइट, और इसमें हम ऑल्पर्स का मिल्क यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसमें स्मूदी बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी। मैं आपको खोल देती हूँ ऑल्पर्स, मिल्क हमारी एनर्जी बढ़ाती है, कि बहुत हेल्दी ड्रिंक बन रही है बच्चों के लिए। और अगर आप ये नॉर्मल आप स्कूल जाने से पहले अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले लें तो ये भी बहुत हेल्दी होती है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप ऑफ ऑल्पर्स मिल्क, ठीक है जी, डालिए और डालिए, बस इनफ। चलिए ये हो गया, और अब इसको हम मज़ीद हेल्दी और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अली का फेवरेट, जामेश्री। यस, अली का फेवरेट है जामेश्री। जामेश्री मेरे घर में सिर्फ रमज़ानों में नहीं आता बल्कि पूरे 12 महीने मेरे घर पे जामेश्री की बॉटल रहती है, क्योंकि अली दूध सादा नहीं पीते, अली जामेश्री के साथ दूध पीते हैं, और उसके अलावा भी जब ये स्कूल से आते हैं तो ये जामेश्री या फिर ये टैंक ज़रूर लेते हैं। राइट, जामेश्री जो है वो खालिस अरकियात से बनता है, इसलिए ये हेल्दी है, और उसके अलावा इसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता, इसमें गुलाब की पत्तियाँ भी शामिल हैं, और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है ये। और सबसे अच्छी बात जामेश्री की ये है कि जब ये आप जामेश्री पीते हैं आपको आपके ऊपर भारीपन नहीं लगता, ये बहुत लाइट लाइट सा फील करता है आपको, और आपको एक ठंडक का एहसास दिलाता है, आह एक घूट उतरता है, कैसे कहते हैं हम, मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, 1 to 2 टेबल स्पून एज पर योर टेस्ट, इसमें हमने चीनी भी ऐड की है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबल स्पून जामेश्री ऐड करेंगे और ये और मज़ीद यम्मी हो जाएगा, रोज़ी कलर हो जाएगा। यस, चलें जी, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे लिड लगा के। हाँ, इसको हम मैं बंद कर देती हूँ, जग को टाइटली हम बंद करेंगे। ऑलराइट, नाउ ब्लेंड। इसको हम पल्स पे करेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको थोड़ा थोड़ा पॉज दे के आपने अच्छे से ब्लेंड करना है कि एप्पल की और डेट्स के कोई चंक्स ना रह जाए, अच्छे तरीके से ये आपस में ब्लेंड हो जाए। आप मुझे 2 ग्लासेस ला के दीजिए अली वहाँ से। राइट, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। एना प्लीज मूव, आई विल हेल्प यू आउट, हियर आर द ग्लासेस। चलें अब इसको हम निकाल लेते हैं, और ये देखें इसमें आप चाहें तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मजे की लगेगी। और ये देखें यमी मजेदार सी एप्पल स्मूदी जामेश्री के साथ रेडी है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, अच्छा जी, मैं जग वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अब बनानी है कौन सी ड्रिंक, 7 अप। 7 अप से क्या बनाएंगे हम? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की ड्रिंक बहुत ही मजेदार और यमी सी ड्रिंक बनेगी, लेकिन उससे पहले हम जग वॉश कर लेते हैं। चलें जी, ब्लेंडर धुल गया हमारा और हमें लगा भी दिया। अली अब आपकी बारी, अब आप बनाएंगे 7 अप से ड्रिंक, हम बना रहे हैं पाइनएप्पल 7 अप ड्रिंक। यस, हम बना रहे हैं पाइनएप्पल मिंट कूलर,
और पाइनएप्पल मिंट कूलर के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून पाइनएप्पल्स, आप इसमें ऐड कर दीजिए। 2 टेबलस्पून ये 2 टेबलस्पून आप पूरा डाल दीजिए इसमें। ओके, पूरे पाइनएप्पल्स डाल दिए आपने। अब यहाँ पे हमारे पास हैं मिंट लीव्स हैं, 7 से 8 मिंट लीव्स हैं, ये हम ऐड करेंगे इसमें। डन। और काला नमक मेरे पास है, काला नमक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इफ्तार में हमारा हाथ रुकता नहीं है पकौड़ों पे और समोसों पे, तो फिर हम कहते हैं यार डाइजेशन नहीं हो रही, भारी भारीपन लग रहा है, तो काला नमक आप डालें तो आप अच्छे से हजम कर सकते हैं। आप डालेंगे इसमें बस जस्ट अ क्वार्टर टीस्पून लाइक दिस, क्वार्टर टीस्पून आपने काला नमक डाला। अब हम डालेंगे इसमें शुगर, ये 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून आप शुगर ऐड कीजिए इसमें। ज़्यादा भर के बेटा भर के लाइन में डाल दो, चलें जी भर के हम शुगर ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें? 7 अप कहाँ है, कौन लेके आएगा? अच्छा जी, 7 अप से आप कह सकते हैं अपने दिल की बात अपने किसी भी करीब से। जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, एक पूरी कहानी होती है। कहानी इन द सेंस लाइक के हम जब भी अपने प्यारों के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, तो हम ये सोच के बनाते हैं कि इसको देख के उसको अच्छा लगेगा, उसको खुशी महसूस होगी, या ये मेरे बेटे की पसंद है। तो कभी कोई दूर से आ रहा होता है तो आप सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी मनपसंद खाना बना दें। तो ये पूरे जज्बात हमारे जुड़े होते हैं खाने के साथ। सिर्फ खाना अकेला नहीं होता, हमारी मोहब्बत, हमारा खलूस, हमारा प्यार उससे जुड़ा हुआ होता है। और ये तमाम बातें, अपनी फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हैं 7 अप के साथ। इसीलिए कहते हैं ये कहो दिल की बात 7 अप के साथ। और 7 अप की एक आवाज़ जो है ना, ये बड़ी मज़े की लगती है, इसी से इंसान आधा रिफ़्रेश हो जाता है। और मज़ीद रिफ़्रेश करने के लिए आप 7 अप की डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स बना सकते हैं। और इसमें अब हम 1 कप ठंडी चिल्ड 7 अप ऐड करेंगे, और इसको अब हम करेंगे ब्लेंड। चलिए ब्लेंड कीजिए। डन। लव। आयाना ब्रिंग ग्लास। गिव मी द प्लेट। बस 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 बस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्लास की चीनी भी ले आइए बेटा, कि आप ग्लास को किस तरह से आप डेकोर कर सकते हैं सिंपल ग्लास को। मेरे पास यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस हैं हाफ, आप इधर आइए लिए, आप भी देखिए। ये देखिए, आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के जो अपर साइड होता है उस पर आपने ये लेमन इस तरह से आपने रब कर दिया, और अगर ये इसका सीड आ गया तो आपने इसको बाहर निकाल दिया, ऐसे किया। और फिर एक प्लेट में आप चीनी ले लीजिए बहुत सारी, और इसको यूँ डिप कर दीजिए। हल्का सा जहाँ से कम लगा है वहाँ पे थोड़ा सा आप और इस तरह से करके, और दोबारा से आप शुगर में इसको डिप कर लीजिए। और ये देखें कैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। इसको साइड पे रख दीजिए अब आप। और अब इसमें हम अपनी 7 अप की ड्रिंक पोर करेंगे। चलें ये देखें, यमी सी हमारी पाइनएप्पल मिंट कूलर इज रेडी। इसको हम यहाँ रख देते हैं, और रिफ्रेशिंग सी 7 अप की मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी है। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब मैं कर रही हूँ शाशलिक की फाइनल प्लेटिंग, और फिर आपसे मिलती हूँ डाइनिंग एरिया में। तो देखिए आपके सामने कितनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमने आज बनाई हैं। हमने बनाए हैं चिकन शाशलिक स्टिक्स विद राइस, हमने सर्व किया है, और हमने बनाई है 7 अप से बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक पाइनएप्पल मिंट कूलर, और कर्शी जामे शीरी का हमने बनाया है एप्पल स्मूदी। आसान रेसिपीज थी ना सारी? बहुत आसान। बस अब कल की इफ्तार में ये सब चीज़ें आप लोग बनाएंगे, घर पे मैं नहीं बनाऊंगी और जो लोग सामने देख रहे हैं वो लोग बनाएंगे अपने घर पे, अपनी मम्मा की हेल्प करेंगे सब लोग। सही है जी। तो अब टाइम हुआ है हमारी आज की अच्छी बात का, तो कौन बताएगा मुझे आज की अच्छी बात?
जी बताइए। हमें सब लोग को हेल्प करना है। वेरी गुड। और जैसी और जो बंदे रोज़ा रखते हैं, कभी कभी आपके सिबलिंग्स आते हैं और जिसने रोज़ा नहीं रखा वो खा रोज़ा रखने वालों के सामने खाते हैं, तो हमें खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। और अयाना आप बताइए। हमको तंग नहीं करना चाहिए कि आपने नहीं रखा। हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। और क्या अच्छी बात बताइए अयाना। और हमको किसी को हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। वेरी गुड। और किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए, रोज़ा रखने में करना चाहिए। वेरी गुड। आपको मैं एक और अच्छी सी बात बताऊँ, आपको पता है हमें पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। बैठ कर पीना चाहिए, तीन सांस में तीन सांस में पीना चाहिए और ग्लास को देखना है कि कुछ है अंदर। वेरी गुड। आपको पता है सुन्नत है हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और जब भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो साथ में आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे हम दूध पाक भेजते अपने प्यारे नबी को, और जब भी हम अपने प्यारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, जब भी हम पानी पिए तो हमें पहले अपने ग्लास में देखना चाहिए कहीं कुछ गिरा हुआ तो नहीं है, और दूसरी बात ये पानी जब भी पिए बैठ के पीजिए और तीन सांस में पीजिए। आपको पता है इसके मेडिकली बहुत से बेनिफिट्स हैं। हमारे जॉइंट्स में, हम अक्सर कहते हैं ना हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो जाता है, आप बैठ के जब पानी पीते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता। अब जब चाहती है ना कि हम बूढ़े हो गए हमारे घुटनों में दर्द ना हो, तो हमें चाहिए हमेशा हम बैठ के पानी पिए और तीन सांस में पानी पिए। तीन सांस में पानी पीना सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और एक और अच्छी बात ये कि हमें हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए। कौन से हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से पानी भी पीना चाहिए। सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, कभी भी उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए ना पानी पीना चाहिए। हमेशा सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। तो जनाब ये तो हो गई आज की अच्छी बात, और आई एम श्योर आप लोग भी ये याद करेंगे। अगर कोई बच्चा बाई मिस्टेक उल्टे हाथ से पानी पी रहा है तो याद रखिए हमारी बात और अपने आप को करेक्ट कीजिए, और अपनी गलती को मानना ये एक बहुत बड़ी बात और है। किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कि आपने क्या था, आपने किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जैसे गलती से आपने ग्लास तोड़ दी और आपने अपने दूसरे सिबलिंग्स को ब्लेम की कि आपकी वजह से टूटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। झूठ तो बोलना बहुत बुरी बात है। चलिए जनाब ये तो हो गई आज की अच्छी बात, आई एम श्योर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा, आज का हमारा खाना भी पसंद आया होगा। इफ्तार के बाद ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं किया है तो कल ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। और अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि आप वो हम बनाना सिखाएं आपको, तो आप हमें बता सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, हम ज़रूर पूरी करेंगे आपकी रिक्वेस्ट। या फिर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं वर्दा ऑफिशियल्स पे। इसी के साथ ही मुझे और चटखारे की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए एपिसोड एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, और आप जाके देखिए एक दिन की नेकी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू प्ले टीवी। और जिस जगह मैं इस वक्त बैठी हूँ मैं बयान नहीं कर सकती, इस वक्त नहीं बोला जा रहा। आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, ये इनका बेटा है सबसे बड़ा, और आपको लग रहा होगा छोटा सा बच्चा। लास्ट ईयर भी मैं आई थी प्ले टीवी के साथ ही, ये 18 साल का बेटा है। ये जब मैं आई थी जब कमज़ोर था, मगर अब तो ये और भी कमज़ोर हो गया। इनके शौहर कुछ भी नहीं करते, काम मिलता है अब नहीं, काम कोई मिल रहा तो जो इनका एक बेटा है 12 साल का, एक इनका भी 40 दिन का भी बेटा है। दो बेटियां ये ऊंचा भी सुनती हैं, इनसे मैं आपकी बात कराऊंगी। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, एक बच्चा इस तरह पड़ा हुआ है, उसको कोई चीज़ का होश नहीं है। चबा के खाना देना पड़ता है, बोल तो सकता ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता।
आज चलते पड़ते आदमी की भी इज्जत या कदर नहीं होती है, तो ऐसा बच्चा है जो उसको कुछ पता ही नहीं, कह रही है जब प्यास लगती है तो रोता है, तो माँ ही है जो ये कर सकती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ ये फ्रॉकें, ये काम करती हैं, इसी से इनका घर का खर्चा चलता है। जो इनका 12 साल का बेटा है, आप बताएं, आप अभी बता रही थी जो 12 साल का बेटा है उसने आपको रोते हुए देखा, 12 साल के लिए 10 साल की, 10 साल का, 10 साल का बेटा है तो उसने आपको रोते हुए देखा, फिर सब्जी बेचने चली, वो ना पांजा भी जो है ना उसने लगा दिया काम पे, तो वो सब्जी बेचने चला गया। कब से ये जो बेटा 18 साल का है, आपको कैसे पता चला कि ये, जब 8-9 महीने हो गए ना, बेटा नहीं चल रहा, बैठने भी नहीं है, इसलिए सब कह रही है 8-9 महीने में तो बच्चे को बैठना चाहिए। फिर उस वक्त से हम डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, पति को भी दिखा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा। आपको मैं सलाम पेश करती हूँ कि इतनी हिम्मत है आप में कि ऐसी जगह पे आके अल्फाज नहीं मिल रहे होते। आप किस तरह, मतलब आप एक जोन में चले जाते हैं, आप जिन चीज़ों को आपको दिख रही होती हैं वो आप बयान नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरह से इस पे जितनी ज़्यादा ये तकलीफ में, पता नहीं इसको, आपको ज़्यादा पता होगा कि ये इसको क्या किस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ माँ को होगी। बिल्कुल, आप जिस तरह से, मैं देख के मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कितना फील होता होगा। अल्लाह ताला तो आपको भी सबर दे, आमीन। क्या खाता होगा बच्चा, हालत देखें इसकी, बच्चे की फ्लैश तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ बोन्स ही बोन्स है, मतलब वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा, बहुत स्लो है। प्लीज आगे बढ़ें, सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट नहीं है कि वही सिर्फ ये करे, ये रमज़ान का महीना है, ये तो मौका दिया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह चुनता है लोगों को, ऐसी माँ को सलूट करना चाहिए कि एक माँ क्या कुछ करती है अपनी औलाद के लिए, और घर लेके चल रही है, काम कर रही है, बेटियाँ भी लगी हुई हैं, अगर ये काम नहीं करेंगी इनको कौन देगा। और एक 8 साल 10 साल का बेटा सब्जी वाले की दुकान पे कितने मिलते होंगे, क्या मिलता है उसको, बेटे को क्या मिलता होगा सब्जी वाले की दुकान पे, 150 रुपये। हमें तो रमज़ान में बहुत कुछ चाहिए होता है, मेरे दस्तखान भी भरे हुए हों, ये एक चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। प्लीज़ थोड़ा सोचें, आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें, नेकी कमाएं। जो आप अल्लाह के लिए करते हैं ना, अल्लाह ताला किसी का कुछ नहीं रखता, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको देगा। प्ले एंटरटेनमेंट ने आपके लिए 10,000 रुपये भी भेजे हैं और आपके लिए राशन भी भेजा है। इनके नूर के साथ मैं बहुत करीब बैठी हूँ, और जिस तरह की इनकी तबीयत है और जिस तरह से ये को कोई तकलीफ है, क्या है, इनकी माँ भी नहीं समझ पाती बाज़ औक़ात, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, बस उन्हें खिलाती पिलाती हैं 2 वक्त का, और उसके बाद वो भी सफाई करती हैं। जी बिल्कुल, रोता है तो जब माँ को पता चलता है प्यास है, तो बहन भाई उनको काम फिक्र। अभी ये कह रही हैं नीलम, ये कह रही हैं, आप खुद बताएं, ये कह रही हैं मैं बहुत परेशान थी, फिर अभी 3 दिन आया भाई आके मेरे से, जब बोल लिया मैडम आएंगे, बोला तो मेरे को थोड़ा सा हिम्मत आई, फिर मैं बहुत खुश हो गई। देखिए जब पहले भी आपने मेरी मदद की थी, उस अल्लाह करिए मदद तो अल्लाह करे। पापा वैसे सही बात है, पूरा मोहल्ला जिस तरह आपके साथ रिलेट कर रहा है, जिस तरह आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपका मुंतजर होता है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह की तरफ से ये बहुत, ये आसरे पे बैठी थी, कह रही वो आए, वो कार्ड वार्ड लेके गए, कह रही मुझे एक आसरा था कि आप लोग आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, लेकिन साथ ही साथ तकलीफ भी बहुत बहुत है। और यहाँ पे नायदा पा, आप देखो यहाँ पे इस तरह के फ्रॉक्स का बड़ा काम है इस एरिया में ना, यहाँ पे इस तरह की ये बहुत चलती है यहाँ पे। हम पिछले भी एक आध घरों में गए थे, तो वहाँ पे घर में देखिये औरत ही मल्टीटास्कर है, औरत वो घर को भी चलाती है, शौहर को भी देखती है, ऐसे बच्चों को भी देखती है, फिर ये काम भी कर रही है, सिलाई भी कर रही है, और बच्चों को लेके इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो बच्चियां भी लगी हुई हैं, वो सामने नहीं आती बच्चियां। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आगे बढ़ें। और प्ले एंटरटेनमेंट का शुक्रिया कि आप लोग दुआएं ले रहे हैं इन सब की, और अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे, हमको भी चुने, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बस ये अल्लाह चुनता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पे अपना रहम करम फरमाए, और आपके लिए हर चीज़ आसान हो, आपके मियाँ भी ठीक हो जाएं।
और बच्चियां भी और बच्चियों की अच्छी जगह शादियां भी और बच्चा जो है वो पढ़ाई करे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم مالك بادشاہ کریم مہربان رحمان رحیم तेरे करोड़ा 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 करोड़ एहसान के तूने हमें मुसलमान बनाया और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अजीमुशान महीना भी अता किया है। दूसरे रोज़े की बहारें और बरकतें तेरे बंदे तेरी बंदियां हासिल कर रहे हैं। तुझे तेरी रहमत का, तेरी अजमतों का, तेरे एहसान का, तेरे फजल का वास्ता। बारी ताला हर उम्मती का रोज़ा कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावियां कबूल फरमा, कुरान का सुनना और कुरान का पढ़ना कबूल फरमा। ये अशरा रहमत की घड़ियों की बरकतें हर उम्मती को अता फरमा। रहमत का अशरा अता करने वाले रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं। सारे ही उलुल अज़म अम्बिया अम्बिया अलैहिस्सलाम सिद्दीकीन शहदा और सालहीन का, तुझे हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं। या अल्लाह, बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़रत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़रत हो जाए, अशरा रहमत की बरकत से हमारे घर वालों की मग़फ़रत हो जाए, पूरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब कब्र से बचा ले, दोज़ख़ की आग से बचा ले। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़े ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। तो अल्लाह, में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले। तुझसे रहमत वाले अशरे के सदका देकर दुआ करते हैं, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे, लॉकडाउन की आफतों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह, तंग दस्तियाँ, फ़क्र फाका, बेरोज़गारियाँ और कर्ज़दारियों से हर उम्मती की जान छुड़ा दे। जो तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, फ़क्र फाका से दो चार हैं, ये अशरा रहमत, ये महीना तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, सबका रिस्क बढ़ा दे, सबके हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे, बे औलादों की गोदे औलाद से भर दे, बे रिश्तों को नेक साले करीम गैर लालची हम कुफ रिश्ते अता फरमा दे, जो गुमशुदा हैं उन्हें मिला दे, जो बेकसूर कैद में फंसे उनको आज़ादी दे, जिन पर झूठे मुकदमे बने हुए हैं उनकी मुकदमों से खलासी दे। इस वतन को तूने माह रमज़ान में आज़ादी अता की थी, उन आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का सदका ये वतन सुबह क़यामत तक आज़ादी के नूर से मुज़ीन फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुखलिसीन को ऐ अल्लाह उरूज दे, और जितने अय्यार मक्कार धोखेबाज इस वतन अज़ीज़ की जड़ों में घुसे हुए हैं उनसे उम्मत की जान छुड़ा, पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे, हम वतनों की मदद फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।